लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। इंटक के नवीन भाई जिलाध्यक्ष रविंद्र सावंत ने आज पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और कीमतों को रोल बैक करने की मांग की। तमाम पदाधिकारियों के साथ कांग्रेस नेता रविंद्र सावंत ने नेरुल के पेट्रोल पंप पर मोर्चा निकाला और नियमों का पालन करते हुए मोदी सरकार के खिलाफ अपना रोष जताया। मोदी के फोटो लगे केक को काटकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि एक तरफ जनता लॉकडाउन की आर्थिक तंगी से परेशान है, ऐसे में पेट्रोल की कीमत 100 के पार चली गई है, जिसे तत्काल कम करने की जरूरत है। देखिए रिपोर्ट। मोदी सरकार आ गए अच्छे दिन आ गए। मोदी सरकार हाय आ गए अच्छे दिन आ गए। गाड़ियां छोड़ के बैलगाड़ी खरीदो। मोदी सरकार हाय मोदी सरकार हाय अच्छे दिन आ गए। एक तरफ जहां कोरोना की मुसीबत कम हो रही है, वहीं देश में बढ़ रही पेट्रोल डीजल की कीमतों ने जनता की मुसीबतें और बढ़ा दी हैं। हालत यह है कि पेट्रोल 100 रुपए के पार हो गया है। जाहिर है ईंधन की कीमतें बढ़ने से महंगाई और बढ़ने वाली है। आज कांग्रेस के स्थानीय नेता और इंटक जिलाध्यक्ष रविंद्र सावंत ने इसके विरोध में नेरुल के पेट्रोल पंप पर मोर्चा निकाला और मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए ईंधन कीमतों को रोल बैक करने की मांग की। यहां पेट्रोल कीमत 100 के पार होने पर तंज कसते हुए मोदी की फोटो लगी केक काटकर अनूठे ढंग से विरोध प्रदर्शन किया गया। रविंद्र सावंत ने कहा कि एक तरफ जहां जनता लॉकडाउन और महामारी के कारण आर्थिक तंगी से परेशान है, ऐसे में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाकर मोदी सरकार आम जनता को मारने पर तुली है। उन्होंने कहा कि ईंधन की कीमतें रोल बैक होनी चाहिए। आज आपण शतक पूर्ण केलेलं आहे मोदी सरकारने। आज पेट्रोलचं डिझेल पेट्रोलचे भाव जे आपण बघितले, आज नवी मुंबईमध्ये 100 क्रॉस केलेले आहे। त्यानिमित्ताने आम्ही आज मोदी साहेबांचा खास विशेष केक, पेट्रोल वाढीचा विशेष केक म्हणून आम्ही एक लहान मुलाच्या हस्ते आजचे दिन म्हणजे ते येणारं भविष्य हे त्याला कळेल की अजून आजचे दिन किती येणार आहे, येणाऱ्या भविष्याला कळणार आहे अजून आजचे दिन कसे येत आहेत आणि येणार आहेत, त्यासाठी आम्ही आज पेट्रोल पंपावरती नेरुलच्या पेट्रोल पंपावरती केक कापून मोदी सरकारचा निषेध केला आहे। मोदी सरकार अच्छे दिन आ गए। आ गए। अच्छे दिन आ गए। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।